नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वन ब्राउज़र एप्लीकेशन को कैसे यूज कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, आप भी जानना चाहते हैं कि वन ब्राउज़र एप्लीकेशन क्या है और इसे कैसे यूज कर सकते हैं, तो गाइस आज की इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल पर सेट कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है। प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद गाइस यहां पर आपको वन ब्राउजर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। तो गाइस यहां पर मैंने इस एप्लीकेशन को पहले से इंस्टॉल करके रखा है और गाइस यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपको अबाउट दिस ऐप का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहां पर आपको क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करने के बाद गाइस यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर वन ब्राउजर एप्लीकेशन के बारे में पूरी डिटेल यहां पर आपको देखने को मिल जाती है। यहां पर आप इस एप्लीकेशन को कैसे यूज कर सकते हैं वो सारी डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप इस एप्लीकेशन के रिव्यू एंड रेटेड देखना चाहती है तो गई जहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 61 रिव्यू देखने को मिल जाती है, 3+ रेटेड देखने को मिल जाती है, 50T+ डाउनलोडिंग देखने को मिल जाती है और इस एप्लीकेशन को 4.4 स्टार मिले हुए हैं। इसके बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं, इस एप्लीकेशन के अलग अलग फीचर भी देखने को मिल जाती है। इसके बाद गई जहाँ पर आपको वन ब्राउजर एप्लीकेशन को ओपन करना है। वन ब्राउजर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वन ब्राउजर एप्लीकेशन ओपन हो रही है और गई जहाँ पर आपको एक ऐड शो हो रही है, इस ऐड को यहाँ पर आपको क्लोज करना है। ऐड को क्लोज करने के बाद गई जहाँ पर आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो गई जहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपने गूगल क्रोम ब्राउजर को यूज किया होगा, उसी तरह का वन ब्राउजर एप्लीकेशन है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको सर्च बार का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप जो भी सर्च करना चाहते हैं वो यहाँ पर आप टाइप कर सकते हैं। तो गई जहाँ पर मैं विराट कोहली को सर्च करता हूँ, विराट कोहली को सर्च करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर विराट कोहली के बारे में वो सारी डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी जो सोशल मीडिया पर अपडेट रहेगी। तो गई जहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से आप सर्च बार में जो भी सर्च करना चाहते हैं वो सर्च कर सकते हैं। और गई जहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको कई सारे अलग अलग सोशल साइट देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आपको टिकटॉक, इंस्टाग्राम, वीमेओ, ट्विटर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप जिस भी सोशल साइट को यूज करना चाहते हैं यहाँ से आप सोशल साइट को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद गई जहाँ पर आपको क्लिक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वन ब्राउजर एप्लीकेशन यहाँ पर क्लिक हो रही है और गई जहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से आप वन ब्राउजर एप्लीकेशन को क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद गई जहाँ पर आपको VPN का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको स्मार्ट सर्वर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो गई जहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वन ब्राउजर एप्लीकेशन में स्मार्ट सर्वर को अपने मोबाइल में कनेक्ट करना चाहते हैं तो गई जहां पर आपको स्मार्ट सर्वर के ऑप्शन पर क्लिक करना है। स्मार्ट सर्वर के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गई जहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आपको स्मार्ट सर्वर देखने को मिल जाती है। यहां पर आप जिस भी कंट्री का स्मार्ट सर्वर अपने मोबाइल में कनेक्ट करना चाहते हैं उस कंट्री को यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। तो गई जहाँ पर मैं इटली का VPN सर्वर सेलेक्ट करता हूँ। इटली का VPN सर्वर सेलेक्ट करने के बाद गई जहाँ पर आपको कनेक्शन रिक्वेस्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको परमिशन को अलाउ करना है तो यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वन ब्राउजर एप्लीकेशन में इटली का VPN सर्वर अपने मोबाइल में कनेक्ट हो चुका है। तो गई जहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से आप वन ब्राउजर एप्लीकेशन में इटली का VPN सर्वर अपने मोबाइल में कनेक्ट कर सकते हैं और उसे यूज करने के बाद उसे डिसकनेक्ट करना चाहते हैं तो गई जहाँ पर आपको टिक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। टिक के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद गई जहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर वन ब्राउजर एप्लीकेशन में इटली का VPN सर्वर अपने मोबाइल में डिसकनेक्ट हो रहा है। तो गई जहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इटली का VPN सर्वर अपने मोबाइल में डिसकनेक्ट हो चुका है। तो गई जहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से आप वन ब्राउजर एप्लीकेशन में किसी भी कंट्री का VPN सर्वर कनेक्ट करने के बाद उसे यूज करने के बाद उसे डिसकनेक्ट कर सकते हैं। तो गई जहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से आप वन ब्राउजर एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। तो गाइस कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।